बेरोजगार ऐसे बेरोजगार हो जाएंगे जिसके लिए आगे मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे जयपुर, वहाँ पे अपने विज्ञापन देंगे, अपनी विपता बताएंगे कि भाई ये स्थिति ये परिस्थिति है और इससे अवगत कराया जाएगा जिससे ये परिस्थितियों से निवारण हो सके, ताकि ये जो परेशानी आ रही है आज ऑपरेटर बेरोजगार हो जाएगा, उसके परिवार की परेशानी आएगी, सबकी परेशानी आएगी। आज ये स्थिति आ गई कि बेरोजगारी होगी तो फिर पूरे समझते हैं आप देश के अंदर कि ऑलरेडी वैसे ही बेरोजगारी दुनिया में बसी हुई है, तो इससे अवगत कराने के लिए हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। हम आप उनसे निवेदन करेंगे कि इसको संशोधन किया जाए, इस रेट को जो नॉर्मल है जो 200 रुपये थी वो 250 रुपये समथिंग कर ले, ताकि जनता के ऊपर इस चीज़ का लोड नहीं पड़े। जो रेट बढ़ती है तो लाजमी बात है वो जनता की बढ़ती है, कंज्यूमर भी बढ़ेगी, कंज्यूमर भी बढ़ेगी तो वो अव्यवस्थित होगी, सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। अच्छा, जो एक ग्राहक होता है एक कनेक्शन जो आप देते हैं उससे कितने रुपए लेते हैं एक कनेक्शन से? अभी 300 रुपए करीब लेते हैं, 250 रुपए 300 रुपए ये रेट चलती है। तो अगर कहिए जो पोलों का अगर किराया बढ़ता है और आप पे लागू थोप दिया जाता है कि भाई आपको किराया देना ही है, उसके बावजूद फिर जो जो उपभोक्ता है जो जिनके आप जो बता रहे हैं 250 से 300 रुपए आप एक वसूलते हैं, तो उसमें भी कोई बढ़ोतरी होगी क्या? लक्ष्मी आते हैं, जब आप पेमेंट बढ़ेगा, आज लोड बढ़ता है, आज पेट्रोल का डीजल का रेट बढ़ता है तो हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो वैसे ही इस चीज़ का भी रेट बढ़ेगा। जब रेट बढ़ेगा कंज्यूमर के ऊपर जाएगा, कंज्यूमर परेशान होता है व्यवस्थित, अब उनके भी तो कंज्यूमर भी घाटा सिर्फ आम आदमी को भुगतना, आम आदमी को घाटे पड़ेगा इसका। तो आपका नाम बताओ? इमरान नाम है मेरा। व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, हमारा काम केबल का और नेट का दोनों है। कई जगह मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ने सस्ती रेट में देने की घोषणाएं की है, परंतु अभी कुछ बड़ी कंपनियों के किसी चाल के चक्कर में इन्होंने जो रेट है पलपुट की हमारे माथे मारी है, जो 200 रुपये थी उसे 3,500 रुपये कर दिए, 15 गुना रेट बढ़ा देना ये हमारे बस की बात ही नहीं है। और हम 3 पोल पे जाते हैं तार लेकर के, तो यदि 3,500 रुपये एक पोल के देंगे तो हम तो 3,500 रुपये एक साल में नहीं लेते कस्टमर से, और हम उसका पे कैसे कर सकते हैं, किसी को भुगतान कर सकते हैं? ये सीधा सीधा हमारे धंधे को चौपट करने वाली बात की गई है कि भाई ये धंधे से निकल जाए और बड़ी कंपनियों का वर्चस्व हो जाए, वो कस्टम फिर वो यहाँ के जितने भी आदमी लोग जो हैं उनका शोषण करेगी। बड़ी कंपनियों का नियम रहा है कि पहले तो सस्ते में दे दो और बाद में उनका खून पियो, पूरे पैसे वसूल करो। और वैसे भी यदि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमारे को कहते रहते हैं रोजगार लगाओ, तो हमारे को तो 4.5 लाख आदमियों को 5.5 लाख परिवारों को बेरोजगार कर रही है, रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है। तो हमने अभी राजस्थान के अंदर ये पूरी अभी आवाज़ उठाई है और मुख्यमंत्री जी का नाम ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को कि भाई आप हमारी इस रेट को संशोधित करें, हम पैसा देने के लिए मना भी नहीं कर रहे कि हम पैसा नहीं देंगे, पर कुछ जायज़ तो हो, ऐसा थोड़ी है कि आपने यदि आप यहाँ बैठे हो तो ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर इस तरह से किसी का खून थोड़ी किया जा सकता है, एक तरह से खून ही कर रहे हैं ये हमारा। अभी क्या आश्वासन मिला? इन्होंने कहा कि हम आपकी ये हमारा कुछ कलेक्टर महोदय को तो हमने ज्ञापन इसलिए दिया है कि ये हमारी चिट्ठी को मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, क्योंकि समस्या का समाधान मुख्यमंत्री की यहीं से होना है, रेट उन्होंने बढ़ाई है तो रेट कम करने का अधिकार उन्हीं का है, तो हमने ये अपना ज्ञापन दिया है। और हम हर जिले से हर जगह से केबल ऑपरेटर ऐसे हैं जिनको ये जो किराया देना पड़ेगा, और अगर किराया देते हैं तो किस तरह की स्थिति बनेगी? किराया देते हैं तो हमारा धंधा ही चौपट हो गया, ये रोड पे सारे तार उतर जाएंगे। कितने केबल ऑपरेटर है लगभग? 5 लाख परिवार है और उनसे संबंधित और कई लोग हैं, जो कई दुकान वाले हैं जो सामान देते करते हैं वो सब अव्यवस्थित हो जाएंगे, उनका परिवार कहाँ जाएगा रोटी खाने? और ऐसी कौन सी भारत सरकार या केंद्र या राज्य सरकार हमें नौकरियां दे रही है? हम तो इतने 20-25 साल हो गए हमें धंधा करते हुए, आज ये उठा के कह दे कि आप बेरोजगार हो जाओ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मांग नहीं गई तो ब्लैकआउट करेंगे? ब्लैकआउट करेंगे, और जो देखो लोकतंत्र के जो अधिकार हमारे का उपयोग में करने हैं हम सारे करेंगे, और पूरे राजस्थान में आवाज़ उठाएंगे, पूरे इकट्ठे होकर के हम मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। मुख्यमंत्री को हमने चुना है, मुख्यमंत्री हमें नहीं चुनता, तो हमारा नाम यही है, हमारा काम यही है कि हम अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ और वो हमारी आवाज़ पे सुन करके इसकी रेटें कम करें। आपका नाम? मेरा नाम सोनलाल शर्मा है, मैं राजस्थान केबल ऑपरेटर यूनियन का अध्यक्ष हूँ।